Welcome the students of class 5. Today we are dealing with the unit number 2, which is the animal world. So students, at page number 22, 23 or 24, we will study about the mammals. Okay, so let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson, you will be able to demonstrate an understanding about the mammals. कि मैमल्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और किस वजह से वो जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ठीक है, सो ये सब जो है आज के टॉपिक में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैमल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो फोर पिक्चर्स जो हैं वो शो कराई गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमंस आर मैमल्स. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एलिफेंट दिया गया है. एलिफेंट, सो एलिफेंट इज आल्सो अ मैमल. इसके अलावा बेल दी गई है, सो अ मैमल. इसके अलावा जो है यहाँ पर रेड दिया गया है, एंड दिस इज आल्सो अ मैमल. अब सवाल ये पैदा होता है दैट विच ऑफ दीज थिंग्स आर कॉमन बिटवीन देम विच मेक देम अ मैमल. तो साइंटिस्ट ने जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, एंड देन दे क्लासिफाई दीज मैमल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सूटेबल करेक्टरिस्टिक्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स. ठीक है, सो देयर आर थ्री मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स. तीन जो है वो मैमल्स की करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो तमाम मैमल्स में मौजूद होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी हैं वो? नंबर वन, दे आर वार्म ब्लडेड. ठीक है, मतलब ये किसी भी वेदर में जो है वो, किसी भी टेम्परेचर में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, लिव रह सकते हैं. नेक्स्ट नंबर टू इज द फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग विद मिल्क फ्रॉम देयर मैमरी ग्लैंड. एंड नंबर थ्री इज दे हैव हेयर और फर. मतलब जो इनकी फीमेल्स होते हैं, फीमेल मैमल्स जो होते हैं वो इजीली फीड करते हैं, उनके अंदर अपने जो है बच्चों को इजीली फीड करवाते हैं मिल्क, बिकॉज देयर आर मेमोरी ग्लैंड इन देयर बॉडी. ठीक है, मैमल्स के अंदर जो है वो मेमोरी ग्लैंड मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो अपने यंग वंस को जो है वो मिल्क फीड अप करवाते हैं. ठीक है, इसके अलावा मैमल्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि उनकी बॉडी पर जो होते हेयर और फर मौजूद होते हैं. ठीक है, सो ये वो थ्री करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बिना पर हम इजीली जो है मैमल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस टू बी अ मैमल. सबसे पहले तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जो मैमल्स हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज है, बिकॉज वी कैन ईजिली सर्वाइव इन एनी टेम्परेचर. सो दैट मैमल्स आर एबल टू बी एक्टिव इन एनी टेम्परेचर. नाउ एज वी नो दैट देयर आर हेयर्स और फर्स ऑन मैमल्स बॉडीज, मैमल्स एनिमल्स बॉडी. सो इससे क्या होता है कि ये खाली हमारी बॉडी को जो है वो गर्माहट जो है वो प्रोवाइड नहीं करती, बट जो इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी का, मतलब जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी के हेयर कलर को जो है इंस्टेंटली चेंज करते हैं. ठीक है, सो वो चेंज क्यों करते हैं, उनके चेंज कलर चेंज करने से क्या होता है कि दैट दे कैन ईजीली हाइड फ्रॉम द प्रीडेटर्स. अब मैमल्स को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया. ठीक है, सो अब हम इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैमल्स को कितने ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है. सो मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. कौन कौन से हैं? नंबर वन प्लेसेंटल मैमल्स, नंबर टू मार्सोपियल्स, एंड नंबर थ्री मोनोट्रीम्स. अब ये तीनों कैटेगरीज कौन कौन सी हैं इनके बारे में जो है वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो नंबर वन इज प्लेसेंटल मैमल्स. सो प्लेसेंटल मैमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. ठीक है, सबसे पहले जो है ये बेबीज जो होते हैं वो मदर बेली के अंदर जो है वो ग्रो अप करते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक वेन के जरिए जो है वो मदर से कनेक्टेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा. ठीक है, देन आफ्टर द बर्थ जो फीमेल मैमल्स होते हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं. ठीक है, विच हेल्प देम टू फीड
milk to their young ones. अब इसकी examples में हमारे पास आते हैं humans, dogs, whales, bats, ये सब जो है वो placental mammal के जो है वो examples हैं. Next marsupials. अब marsupials क्या होते हैं? They also give birth to their young ones. बट जो इनके babies होते हैं वो बहुत ज़्यादा premature होते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा weak होते हैं. That's why they live in their mother pouch. ठीक है, उनके जो मदर होती है उनके अंदर एक पाउच होता है जिसके अंदर वो ग्रो अप करते हैं. ठीक है, इसी पाउच में जो है यहाँ पर इनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं विच ऑल्सो हेल्प देम टू फीड मिल्क टू देयर यंग वंस. ठीक है, देन ये तब तक जो मदर पाउच है उससे बाहर नहीं आते जब तक ये कम्प्लीटली डिवेलप नहीं हो जाते टू इमर्ज इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, अब इनकी भी यहाँ पर हमें एग्जांपल्स दी गई हैं. इनमें केंगरूज आ जाते हैं, कोलाज आ जाते हैं, ठीक है, पोलर बियर भी जिन्हें हम बोलते हैं, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर हमारे ओपोजम्स होते हैं. ठीक है, ये जो है ये हमारी मार्सोपियल्स की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मोनोट्रीम्स. ठीक है, मोनोट्रीम्स को जो है वो हम एग लेइंग मैमल्स भी बोलते हैं. ठीक है, सो मोनोट्रीम्स लेज एग्स. ठीक है, then when the young ones hatches out from the eggs after the few days then they grow up in their mother's pouch. ठीक है, यहाँ पर भी इनके मदर पाउच में जो होते हैं सब मैमरी ग्लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, जो कि इन्हें फीड अप करवाते हैं, एंड इसके अलावा जो है मैमल्स इन मैमल्स की बॉडी पर जो होते हैं वो हेयर और फर मौजूद होते हैं. ठीक है, ओके, सो अब आगे जो है इसकी एग्जांपल दी गई है. सो ऑस्ट्रेलिया प्लैटिपस एंड एकिडना जो है वो मोनोट्रीम्स की जो है वो दो एग्जांपल्स हैं. ठीक है, ये दोनों जो है वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में जो है वो एग्जिस्ट होते हैं. ठीक है, मौजूद हैं. नेक्स्ट यहाँ पर कुछ साइंटिफिक अमेजिंग फैक्ट्स दिए गए हैं अबाउट मैमल्स. ठीक है, सो बच्चों जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एंड सबसे ज़्यादा हैवीस्ट एनिमल जो है वो एलिफेंट है. दैट हार्डली लीव्स दी फुटप्रिंट. ऐसा क्यों है? बिकॉज उनके जो फीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, दैट्स वाई वो जो उनके बॉडी का जो वेट है उसको इवेंटली जो है वो स्प्रेड करते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है अब आपको यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है. ठीक है, सो हाउ मैनी मैमल्स डू यू थिंक दैट लिव इन पाकिस्तान एंड मेक द लिस्ट ऑफ देम एंड ड्रॉ योर फेवरेट. ठीक है, आपने जो है बताने कि पाकिस्तान में कौन कौन से मैमल्स जो हैं वो रहते हैं. ठीक है, उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है एंड देन उनमें से जो भी आपके फेवरेट है उसको आपने अपनी नोटबुक पर जो है वो ड्रॉ करना है. ठीक है, ओके, सो ये तो आज का आपका टॉपिक था मैमल्स के बारे में. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेसन. नाउ एट द एंड देयर इज सम क्वेश्चंस फॉर यू. सो क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स. सो द आंसर इज मैमल्स हैव थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर वार्म ब्लडेड. नंबर टू, द फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग विद मिल्क from their mammary gland. And number three is they have hair or fur. मतलब कि ये warm blooded होते हैं. इसके अलावा जो इनकी females होती हैं उनमें कुछ mammary glands होते हैं जो कि अपने बच्चों को जो है वो milk feed करवाती हैं. ठीक है, इसके अलावा इनकी body पर hairs और fur मौजूद होते हैं. Next number two is name the groups of mammals. So the answer is placental mammal, marsupials एंड मोनोट्रीम्स. सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को जो है वो आपने अपनी कॉपी पर राइट डाउन करना है एंड ऑल्सो लर्न देम. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.